अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम फाहम स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम मिड टर्म में पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, फाइनल टर्म का पहला चैप्टर यूनिट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक पेज नंबर 59। आई होप आप लोगों ने बुक पेज नंबर 59 ओपन कर लिया होगा। हम पढ़ेंगे प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? सबको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने प्लांट्स देखे हैं, यकीनन देखे होंगे सबने प्लांट्स। आप लोगों के घरों में मौजूद होंगे, स्कूल में मौजूद है। स्कूल हमारे स्कूल में कई काफ़ी सारे प्लांट्स मौजूद हैं। ठीक है, प्लांट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बड़े प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, देखें इसमें बने हुए बुक में, देखें बुक पेज नंबर 61 में छोटा पॉटेड प्लांट भी बना हुआ है, बड़े प्लांट्स भी बने। बड़े प्लांट्स ट्री कहलाते हैं, वो भी बने हुए हैं। ठीक है, फ्लावर्स भी बने हुए, छोटे फ्लावर्स, बड़े फ्लावर्स। ठीक है, हर टाइप के होते हैं। आज हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट के पार्ट देखें, यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है। इसमें देखें सबसे पहले ये वाला पार्ट है, ये रूट कहलाते हैं। ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, ज़मीन के अंदर सॉइल में मौजूद है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो जा रहा है, ये क्या कहलाता है? स्टेम। ठीक है, ये वाला पार्ट स्टेम कहलाता है। ये वाला पार्ट जो है, ये देखें, ये इसकी लीव्स हैं। सही है, ये लीव्स हैं इसकी। ठीक है, और ये वाला जो है, ये फ्लावर है। सबको पता है ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। ठीक है, ये बेसिक पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स जो हैं, हर छोटे और बड़े प्लांट में मौजूद होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है? आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि फंक्शन क्या होता है। अब ये फंक्शन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ फंक्शन की। आप लोगों के घर में बहुत सारे काम होते हैं, पकाना भी होता है, कपड़े भी धोने होते हैं और सफाई भी करनी होती है। आपकी मदर और सिस्टर्स होंगी यकीनन, वो करती होंगी ये सारे काम। ठीक है, तो काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। ठीक है, कि ये काम जो है ये इन्होंने करना है, कपड़े जो है छोटी सिस्टर ने धोने हैं, सफाई बड़ी सिस्टर ने करनी है, मम्मा कुकिंग करेंगी, खाना बनाएंगी, है ना। तो ये जो काम है इनको फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स में भी काम डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक काम इस पार्ट के पास होता है, एक काम इस पार्ट के पास होता है, इस तरह। ये तो फंक्शन समझ में आया आपको? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है काम को बोलते हैं जो डिवाइड है। ठीक है, तो रूट्स का सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट जो है वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर सॉइल में मौजूद होते हैं। ये प्लांट को होल्ड करती हैं। ठीक है, प्लांट को होल्ड करती हैं ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहें। ठीक है, गिरे ना। ठीक है, और क्या करती हैं? वाटर को जो है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो है, यहाँ से सॉइल के अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट जज्ब करती हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं? वाटर सॉइल के अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जज्ब करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम का क्या फंक्शन होता है? स्टेम जो है, जो वाटर और न्यूट्रिएंट यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, वो स्टेम जो है, ये देखेंगे, पूरे पार्ट्स में पहुँचाएगा। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट और वाटर पूरे पार्ट्स में स्टेम पहुँचाता है। ठीक है, समझ आई बात आपके? उसके बाद जो है देखें स्टेम के बारे में हम बात कर रहे थे। स्टेम देखें डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ स्टेम्स जो हैं वो वुडी होंगे, कुछ देखें ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं, कुछ ऐसे वुडी होते हैं, कुछ जो हैं वो थिन होते हैं, पतले हैं, देखें ये कुछ जो हैं बहुत थिक होते हैं, जो बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, अब आफ्टर अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, आफ्टर वेकेशन में लाइव दिखाऊंगी आपको कि देखें ये ग्रीन कलर का है, ये देखें ये वुडी स्टैम्प है, ये वाला थिक स्टैम्प है, ये थिन स्टैम्प कहलाता है। ठीक है, देखें जो ये हमने यहाँ पे जो बना हुआ है, इसमें ये जो स्टैम्प है ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, और ये थिन भी है। ठीक है, इसी तरह मैं जो है जब आफ्टर वेकेशन जब आप लोग आएंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसका बताऊंगी पूरा, ले जाके आपको गार्डन में ले जाके आपको बताऊंगी कि देखें ये वुडी स्टैम्प है, ये थिक स्टैम्प है, ये थिन स्टैम्प है। नाउ अब हम पेज नंबर 64 पे आके लीफ के बारे में बात करते हैं। लीफ क्या होती है? ठीक है, लीफ डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, लीफ जो है देखें यहाँ पर लीफ किस टाइप की थी। ठीक है,
और यहाँ पर देखें ये देखें ये सर्किल है, ठीक है। इसकी शेप्स चेंज हो सक चेंज शेप हो सकती हैं, हर प्लांट की शेप जो है वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। कॉमन शेप ये होती है, मोस्टली ये शेप होती है लीफ की। अब लीफ का फंक्शन क्या होता है, लीफ का फंक्शन होता है लीफ जो है वो क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। देखें इसमें बुक में बताया गया है लीफ जो है वो एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होती है, ठीक है। एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होती है जो जहाँ पे फूड बनता है। फूड किस तरह बनता है, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि रूट जो है वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम जो है वो कहाँ तक पहुँचाती हैं, तमाम पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। लीव में वाटर आ जाएगा, ठीक है। प्लांट जो है वो अपना फूड बनाएंगे वाटर और हवा से, उनको एयर मिलेगी, एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वो सन से उनको लाइट मिलेगी, तो वो सन इन सब चीज़ों की मौजूदगी में लीफ जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए। तो ये जो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये जो लीफ होता है ये एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होता है, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको अच्छी तरह स्टडी करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल आके डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।